गुड मॉर्निंग. आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स फ्रॉम क्लास 7 साइंस चैप्टर 14. इसमें हमने क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं. आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक करंट क्या है. जब भी हम घर में कोई चीज लाइट पे यूज करते हैं हम इसमें बोलते हैं करंट है. तो करंट क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट होती है. तो उस करंट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. कैसे कि हमने ऑलरेडी जो चैप्टर क्लास 6 है वहां पर क्या सिंपल सा पढ़ा था सेटअप, जो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है. सिंपल सा एक सर्किट ऐसा बनाया गया था क्लास 6 में. तो वो यहाँ पे बोला गया है कि वो उसमें क्या किया था, एक छोटा सा सर्किट बनाया था बच्चों ने. तो वो उन्होंने एंजॉय किया था, वो एक गेम की तरह उन्होंने लिया था. उसमें क्या एक सेल जोड़ी थी उन्होंने, पिन जोड़ी थी तो, और लैंप जोड़ा था. इसको जोड़ के उन्होंने कनेक्शन दिया था सेल से, उसमें कनेक्शन दिया था ताकि उस बल्ब में क्या आए, लाइट आए. तो ये उन्होंने एंजॉय किया था. अब हमें पढ़ना है इसके आगे. वो थोड़ा सिंपल सा था, अब उसके आगे हमें पढ़ना है. बोलते सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स. कैट इज सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल इन टेबल 14.1. कहते कोई भी जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होता है वो किससे शो होता है, सिंबल से. मतलब अगर आप बताओगे यहाँ पर कि ये सेल है तो सेल का सिंबल होगा, तो आपको उस सिंबल से पता करना है कि ये क्या है, सेल है. तो कहते हैं हाउएवर इन दिस बुक वी शैल बी यूजिंग द सिंबल शोन हियर. लुक एट द सिंबल्स केयरफुली इन द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक सेल. नोटिस दैट देयर इज लॉन्गर लाइन एंड अ शॉर्टर thicker parallel line. Do you recall that electric cell has positive terminal and a negative terminal? In the symbol of electric cell, the longer represented the positive terminal and the thicker shorter line represents the negative terminal. कहते कि आपने याद है, आपने सेल पढ़ी थी, उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. तो जो इलेक्ट्रिक सेल में होगा, जो लॉन्गर लाइन होगी वो क्या शो करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल. और जो शॉर्टेस्ट वायर होगी तो वो क्या लाइन रिप्रेजेंट करेगी, सॉरी वायर नहीं लाइन, वो रिप्रेजेंट क्या करेगी, नेगेटिव टर्मिनल. जैसे यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल है तो यहाँ पर क्या दिया है, एक लंबी सी लाइन, एक छोटी सी लाइन. लंबी सी लाइन मीन्स पॉजिटिव, छोटी सी लाइन मीन्स नेगेटिव. वैसे यहाँ इलेक्ट्रिक बल्ब दिया है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब की सिंबल कैसी दिखाई गई है, इस शेप में. स्विच ऑन, ऑन स्विच ऑन पोजीशन में कैसा होता है, ये दो डॉट्स उसके ऊपर एक लाइन सी. ऑफ स्विच का कैसा होता है, एक डॉट के ऊपर ऊपर सी लाइन, एक डॉट मतलब ये जो लाइंस है ये आपस में जुड़ी नहीं है. बैटरी का सिंबल कैसा होता है, जैसे उसमें हमने पॉजिटिव टर्मिनल दिखाया था, पॉजिटिव और नेगेटिव, वैसे ही मगर बीच में डॉट्स जैसे. और वायर का सिंबल क्या है, सीधी जो हम लाइन दिखाते हैं उसका मतलब क्या होता है, वायर होता है. ये छोटी चीजें हैं, सिंबल्स हैं जो आपको याद रखनी है इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के लिए, ताकि आपको सिंबल से पता चले हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. आज हम इतना ही, कल ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अच्छे से. आज मैंने थोड़ा सा आपको बताया सिंबल्स के बारे में. ओके, थैंक यू.